नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गजानन महाराज की नगरी से गांव में। दोस्तों, काफ़ी सुंदर और काफ़ी ही भावपूर्ण भक्तिपूर्ण माहौल है से गांव का। वैसे तो मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन करीब करीब 5 या 6 साल बाद आज आया हूँ। काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है यहाँ पे, और हम अभी शाम को यहाँ पर पहुँचे हैं। शाम का दृश्य भी बहुत ही सुंदर है, और मैं आप लोगों को सब चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा। और एक चीज़ तो ज़रूर बताऊँगा दोस्तों, कि लगभग हर देवी संस्थानों पर वीडियो शूटिंग अलाउ नहीं है, पर जितना कुछ वीडियो शूट हो सकता है मैं उतना आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। जस्ट हम अभी शाम को पहुँचे हैं, और देखिए पार्किंग साइड से अभी हम मंदिर की तरफ जाने के लिए निकले हुए हैं। काफ़ी लंबा रास्ता है, और पहले और अभी में तो काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट भी हो चुका है, काफ़ी सारे संस्थानों पर बहुत डेवलप हो चुके हैं इन 8-10 सालों के अंदर में। और मैं भी काफ़ी समय के बाद में मतलब जा तो रहा था बहुत सारी जगह पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि मेरी भी मेमोरी में रहेगा और आप लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ें। मैं काफ़ी सारी अद्भुत जगह, काफ़ी सारे दार्शनिक जो अपने भारतीय संस्कृति के मंत्रित हैं वो मैं आप लोगों को दिखा सकूँगा। इस कारण से वीडियो रिकॉर्डिंग करने की इच्छा मेरे मन पे आई, और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जितना कुछ हो सकता है जानकारी देने का प्रयास करूँगा, और चलते चलते मैं जो जानकारी मुझे मिली इंटरनेट के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूँगा। पार्किंग की तरफ से जब दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी लंबा मतलब गैलरी है, भक्तों के लिए काफ़ी बड़ा निवास स्थान बनाया गया है, काफ़ी अच्छा गैलरी बना हुआ है। मंदिर काफ़ी आगे में है पार्किंग की तरफ से, आइए आप लोग देखते जाइए। अब भी हम निकल रहे हैं दोस्तों गैलरी से बाहर की तरफ में। देखिए बाहर की तरफ आने के बाद में इस तरीके का आपको कुछ मार्केट दिखेगा, जो कि मंदिर का मेन रास्ता है। यहाँ से हम मंदिर की तरफ चलेंगे, काफ़ी सारी दुकानें फूलों की है, जो प्रसादों की दुकानें हैं जो आपको यहाँ पर दिखेंगे। दोस्तों, हम अभी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने पहुंच चुके हैं। ये गजानन महाराज मंदिर का मुख्य द्वार है, मतलब यहाँ से भी काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा हमें। चलते चलते मैं कुछ और जानकारी देने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। दोस्तों, गजानन महाराज का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। पहली बार गजानन महाराज को से गाँव में 23 फरवरी 1878 में बनकट लाला और दामोदर नामक दो व्यक्ति ने देखा। एक श्वेत वर्ण का सुंदर बालक झूठी पत्तल में से चावल खाते हुए गनगम गनात बोते का उच्चारण कर रहा था। गजानन महाराज का अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। गनगम गनात बोते का उच्चारण करने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा। एक बार जब महाराज दिगंबर होकर तपस्या कर रहे थे, तब एक स्त्री उन पर मोहित होकर उनके पास गई, लेकिन उसने देखा कि महाराज की तेज से नीचे रखी घास भस्म हो गई है। उस स्त्री को महाराज के प्रति मृत भाव रखने का बहुत पछतावा हुआ, और उसने उनसे क्षमा मांगी। गजानन महाराज के चित्र में उन्हें चिलम पीते हुए दिखाया जाता है।
गजानन महाराज नियमित चिलम पिया करते थे, लेकिन उन्हें चिलम पीने की लत नहीं थी। माना जाता है कि वे अपने बनारस के भक्तों को खुश करने के लिए चिलम पिया करते थे। गजानन महाराज चमत्कारी महापुरुष थे, उनके कई चमत्कारों को भक्तों ने प्रत्यक्ष देखा है। एक बार महाराज आंगन कोर्ट में भ्रमण कर रहे थे, तेज गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगी। उन्होंने वहां से गुजर रहे भास्कर पाटिल से पानी मांगा, लेकिन उसने पानी देने से मना कर दिया। तभी महाराज को वहां कुआं दिखा जो 12 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। महाराज कुएं के पास जाकर बैठ गए और ईश्वर का जाप करने लगे। जाप के तप से कुआं पानी से भर गया। इस तरह बहुत से चमत्कार उनके भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। से गांव के गजानन महाराज नाथ संप्रदाय के बहुत ही पहुंचे हुए दिगंबर संत थे। समाधि के करीब एक माह पूर्व उन्होंने पंडरपुर में विट्ठल के समक्ष समाधि लेने का निर्णय लिया। समाधि लेने का विचार जब उन्होंने भक्तों को बताया तो उनके भक्तों में उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने सभी को समझाया और समाधि का दिन नियुक्त किया। गजानन महाराज ने अपनी समाधि के स्थान व समय अपने सभी भक्तों को बताया और उन्हें उपस्थित रहने को कहा। वह गणेश चतुर्थी का दिन था। उस पूरे दिन महाराज बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने अपने भक्तों से बातें की और उन्हें समझाया कि वे सदा उनके साथ रहेंगे, और अंत में बाला भाव को अपने करीब बैठने के लिए कहा और जय गजानन कहते हुए अंतिम सांस ली। मान्यता अनुसार 8 सितंबर 1910 को प्रातः 8 बजे उन्होंने सेगांव में समाधि ली। माना जाता है कि बाला भाव की मृत्यु के उपरांत नंदूर गांव के नारायण के स्वप्न में महाराज ने दर्शन दिए और मठ की सेवा करने का आदेश दिया। जहां बाबा ने समाधि ली वहां आज एक विशाल मंदिर है। यह मंदिर काफी विशाल परिसर में बना है तथा महाराज की समाधि के दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगी रहती है। मंदिर परिसर में गजानन महाराज की प्रतिमा के अलावा समाधि स्थान, पादुका, महाराज का चिमटा, औजार, चिलम पीने का स्थान जो आज भी गर्म है, और प्राचीन हनुमान प्रतिमा मौजूद है। मंदिर की व्यवस्था काफी अच्छी रखी गई है। बहुत से सेवक अनुशासनबद्ध तरीके से मंदिर की व्यवस्था को बनाए रखने में जुटे हुए दिखाई देते हैं। समाधि स्थल पर प्रतिदिन लगभग 25,000 से 30,000 लोग दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि भारत में एकमात्र ऐसा समाधि स्थल है जहां किसी भी वीआईपी के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। सभी को लाइन में खड़े रहकर ही दर्शन करना होता है। शायद तभी वीआईपी लोग गजानन महाराज के दरबार में कम ही आते हैं। यहां आने के बाद आपको काफ़ी शांति का अनुभव होगा, काफ़ी आध्यात्मिक अनुभव होगा और अपने आप में एक पॉजिटिव फीलिंग्स का भी एहसास होगा। दोस्तों, अगर आप यहां कुछ देर ध्यान लगाकर बैठेंगे तो आपको अनुभव होगा कि यहां पे ऐसी कोई देवी शक्ति है जो आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जिक और बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान कर रही है। काफ़ी सुखद अनुभव मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से आप लोगों को भी शायद देखना पसंद नहीं आता, इसलिए बाकी की वीडियोस में उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो मैं यहीं पर अब स्टॉप करूँगा। मुझे जितनी जानकारी मिल सकी मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों तक पहुँच गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में गंदन गनाथ बोते ज़रूर लिखिएगा। गजानन महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गन गन गनात बोते, गजानन महाराज की जय।